चलिए बनाते हैं सूजी का पराठा, जो बच्चों को टिफिन में बना के दे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। सूजी में आयरन भरपूर मात्रा में होता है और इसे आप थोड़ी सी भी अगर खा लें तो पेट जल्दी भर जाता है और काफी देर तक जो है पेट में भरा रहता है। इसलिए सूजी पेट में जाने के बाद ये धीरे धीरे पचती है, इसके कारण जल्दी भूख नहीं लगती है। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। एक कटोरी सूजी लेना है, यानी कि रवा। मैं गैस ऑन कर लिया है। इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से पानी डाल रहे हैं। तो 1 कटोरी हमने डाल दिया है, 2 कटोरी पानी डाल दिए। इसमें तेल डाल देते हैं। इसमें 1/2 चम्मच से कम नमक डाल रहे हैं। एक बार पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तो आंच को धीमी कर देना है। ये देखिए उबाल आ गया है, तो आंच को हम धीमी कर देते हैं। 1 कटोरी में 1 हाथ में सूजी ले लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसे मिलाते रहना है। बराबर रुकना नहीं, बराबर इसे चलाते रहना है ताकि इसमें गांठ बिल्कुल भी ना पड़े। तो इसे हमें बराबर चलाते रहना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल ना करें, नहीं तो सूजी अच्छे से इसमें पक नहीं पाएगी। इस तरह से हमें चलाते रहना है। सूजी को हमें तब तक पकाना है जब तक सूजी सूखी ना हो जाए और मुलायम ना हो जाए। ये देखिए अच्छे से हो चुका है ये। तो गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए दूसरे बर्तन में खाली कर लेते हैं। ये सूजी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। 1/2 कटोरी, जिस कटोरी से हमने सूजी लिया था, तो 1/2 कटोरी आटा लिए हैं। आटा डाल देते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया, कुटी अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, इसे हम अच्छे से, 1/4 नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सूजी और आटे को गूंथ लें कम से कम 5 मिनट। ये देखिए हमने आटा गूंथ के तैयार कर लिया। रोटी की साइज की छोटी छोटी लोई बना लें। चलिए अब इसको हम बेल लेते हैं। पहले हमें एक नॉन स्टिक तवा लेना है। तो ये देखिए हमने गैस ऑन कर दिया है, तो इसे गर्म होने के लिए रख दिए हैं। चकई में थोड़ा सा तेल लगा दें, या चाहे तो पहले हाथ से थोड़ा सा इसे बड़ा कर लें उसके बाद बेलें, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। इस तरह से हमें बेल लेना है। देखिए बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। देखिए तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। घी पराठे को अब सेक लेते हैं। चलिए इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हो गया इस तरह। इसमें हम घी लगा देते हैं। घी पलट के दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। पराठे को हमें मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है, हाई करके बिल्कुल भी नहीं सेकना है। इसे हमें अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। इसे हमें दोनों तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए पराठा अच्छे से सिक गया है, तो इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं गैस की फ्लेम को। देखिए सूजी का पराठा हमने बना के सर्व भी कर लिया है। तो हमने दही का रायता बनाया है इसके साथ। तो इसके साथ आप चाहे चटनी, चाहे रायता, किसी भी चीज के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर।